क्या आप एरिया 51 के पीछे छिपे रहस्यों के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं? नेवादा में इस रहस्यमय स्थान ने दशकों से लोगों को साजिश के सिद्धांतों और अफवाहों के साथ उलझा रखा है। विदेशी गतिविधि से लेकर गुप्त सरकारी एजेंसियों तक इस शीर्ष गुप्त सुविधा के आसपास की अटकलों का कोई अंत नहीं है। इस ब्लॉग पोस्ट में हम एरिया 51 के इतिहास में गहरी डुबकी लगाएंगे और कुछ सबसे लगातार साजिश सिद्धांतों के पीछे की सच्चाई का पता लगाएंगे। तो कमर कस लें और अमेरिका के सबसे महान रहस्यों में से एक की यात्रा के लिए तैयार हो जाएं। एरिया 51 क्या है? एरिया 51 नेवादा रेगिस्तान में स्थित एक उच्च वर्गीकृत संयुक्त राज्य वायु सेना सुविधा है। यह अपनी गोपनीयता के लिए जाना जाता है और दशकों से कई षड्यंत्र सिद्धांतों के केंद्र में रहा है। एरिया 51 तक पहुंच अत्यधिक प्रतिबंधित है, सशस्त्र गार्ड परिधि पर गश्त करते हैं और अतिचार के खिलाफ चेतावनी संकेत देते हैं। अनधिकृत पहुंच को रोकने के लिए इस सुविधा में व्यापक सुरक्षा उपाय भी हैं। गोपनीयता में डूबे होने के बावजूद एरिया 51 दुनिया भर में यूएफओ देखे जाने और एलियन गतिविधि के साथ जुड़े होने के कारण प्रसिद्ध हो गया है। कई षड्यंत्र सिद्धांतकारों का मानना है कि अमेरिकी सरकार इस शीर्ष गुप्त आधार की सीमाओं के भीतर अलौकिक जीवन के साक्ष्य छिपा रही है। इन अफवाहों में कोई सच्चाई है या नहीं, यह एक रहस्य बना हुआ है। लेकिन एक बात सुनिश्चित है, एरिया 51 दुनिया भर के लोगों को अपनी गूढ़ आभा से मोहित करता है। द हिस्ट्री ऑफ एरिया 51। एरिया 51 का इतिहास 1950 के दशक की शुरुआत में शुरू होता है, जब अमेरिकी सरकार ने एक रेंचर से जमीन का अधिग्रहण किया। इस क्षेत्र को इसके दूरस्थ स्थान और आबादी की कमी के कारण गुप्त सैन्य परियोजनाओं के लिए एक परीक्षण स्थल के रूप में चुना गया था। एरिया 51 में हुई पहली परियोजना को प्रोजेक्ट एक्वाटोन कहा गया, जिसका उद्देश्य टोही विमान विकसित करना था। बाद के वर्षों में कई अन्य उच्च वर्गीकृत परियोजनाओं को एरिया 51 में अंजाम दिया गया, जिसमें U-2 और SR-71 ब्लैकबर्ड जैसे जासूसी विमानों का परीक्षण शामिल है। इस समय के दौरान कुछ चुनिंदा लोगों को आधार के असली उद्देश्य के बारे में पता था, जबकि यह जनता की नजरों से छिपा रहा। 1947 के जुलाई के दौरान न्यू मैक्सिको में रोसवेल यूएफओ घटना के रूप में जानी जाने वाली घटना के बाद एरिया 51 लोकप्रिय संस्कृति में प्रसिद्ध हो गया। षड्यंत्र सिद्धांतकारों का मानना है कि अमेरिकी वायु सेना द्वारा अलौकिक जीवन रूपों को बरामद किया गया और आगे की जांच के लिए एरिया 51 में ले जाया गया। दशकों तक गोपनीयता में डूबे रहने के बावजूद हाल के वर्षों में एरिया 51 के बारे में जानकारी धीरे धीरे अवर्गीकृत दस्तावेजों और अंदरूनी खातों के माध्यम से सामने आने लगी। आज हम इस रहस्यमयी सुविधा के बारे में पहले से कहीं अधिक जानते हैं, लेकिन इसकी दीवारों में अभी भी कुछ रहस्य छिपे हुए हैं। द ट्रूथ बिहाइंड एरिया 51। एरिया 51 एक ऐसी जगह है जो दशकों से रहस्य में डूबी हुई है। यह नेवादा रेगिस्तान में स्थित एक दूरस्थ सुविधा है और यह लंबे समय से शीर्ष गुप्त सरकारी परियोजनाओं और प्रयोगों का घर होने की अफवाह है। एरिया 51 के बारे में सच्चाई यह है कि शुरुआत में इसे शीत युद्ध काल की एक परियोजना के हिस्से के रूप में विकसित किया गया था, जिसे ऑक्सकार्ट के नाम से जाना जाता है। ऑक्सकार्ट कार्यक्रम उच्च ऊंचाई से छवियों को कैप्चर करने में सक्षम उन्नत जासूसी विमानों को विकसित करने पर केंद्रित था। इन विमानों का वियतनाम युद्ध के दौरान बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया था, लेकिन 2000 के दशक की शुरुआत तक उनका अस्तित्व वर्गीकृत रहा। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि पिछले कुछ वर्षों में एरिया 51 में कुछ अत्यधिक वर्गीकृत कार्य हुए हैं, सुविधा के आसपास के कई षड्यंत्र सिद्धांत सच नहीं हैं। उदाहरण के लिए, यह सुझाव देने के लिए कोई सबूत नहीं है कि एरिया 51 में किसी भी अलौकिक तकनीक या प्राणियों को रखा गया है।
इस ठोस प्रमाण की कमी के बावजूद, हालांकि एलियंस एरिया 51 से जुड़े सबसे लोकप्रिय विषयों में से एक हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि गुप्त सरकारी एजेंसियां उन्नत तकनीकों और हथियार प्रणालियों को विकसित करने के लिए अलौकिक जीवन रूपों के साथ काम कर रही हैं। भले ही आप इसके वास्तविक उद्देश्य या इसकी दीवारों के भीतर होने वाली गतिविधियों के बारे में क्या मानते हो, एक बात स्पष्ट है, एरिया 51 के आसपास का रहस्य संभवतः आने वाले कई वर्षों तक बना रहेगा। द कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज अबाउट एरिया 51। दुनिया में किसी अन्य गुप्त सैन्य अड्डे की प्रतिष्ठा एरिया 51 जैसी नहीं है। नेवादा रेगिस्तान के बीच में स्थित यह रहस्यमय स्थल दशकों से अनगिनत साजिश सिद्धांतों के केंद्र में रहा है। सबसे लोकप्रिय सिद्धांतों में से एक सुझाव देता है कि एरिया 51 अलौकिक गतिविधि और यूएफओ के साक्ष्य का घर है। कुछ लोगों का मानना है कि इस छिपे हुए बेस हाउस ने विदेशी तकनीक पर कब्जा कर लिया है, जबकि अन्य का दावा है कि इसका उपयोग सरकारी अधिकारियों और स्वयं एलियंस के लिए एक बैठक स्थल के रूप में किया जाता है। एक अन्य सिद्धांत उन्नत हथियार विकास और मानव परीक्षण सहित एरिया 51 के अंदर होने वाले शीर्ष गुप्त प्रयोगों के इर्द गिर्द घूमता है। यह सुझाव दिया गया है कि प्रयोग के उद्देश्य से इस साइट पर लाए जाने के बाद कुछ व्यक्ति लापता भी हो गए हैं। कई बार मना करने के बावजूद कई वर्षों से सरकारी अधिकारी, बहुत से लोग आश्वस्त हैं कि एरिया 51 में बंद दरवाजों के पीछे कुछ भयावह हो रहा है। इस गुप्त सुविधा के अंदर वास्तव में क्या चल रहा है, इसके बारे में सिद्धांत ऑनलाइन प्रसारित होते रहते हैं, लेकिन एक बात निश्चित है, हम कभी नहीं जान सकते सच्चाई। एलियन यूएफओ थ्योरीज। कई लोगों का मानना है कि एरिया 51 वह जगह है जहां सरकार एलियन यूएफओ के सबूत छिपाती है। कुछ षड्यंत्र सिद्धांतकारों का मानना है कि आधार में एक भूमिगत सुविधा है जहां एलियंस को बंदी बनाकर अध्ययन किया जा रहा है। दूसरों का दावा है कि उन्होंने एरिया 51 के ऊपर आसमान में अजीबोगरीब रोशनी देखी है, जो वे कहते हैं कि यह एलियंस की गतिविधि का सबूत है। एरिया 51 में वास्तव में क्या चल रहा है, इस बारे में दशकों की अटकलों के बावजूद इनमें से किसी भी सिद्धांत का समर्थन करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। कई विशेषज्ञों का तर्क है कि अधिकांश दृश्यों को प्राकृतिक घटनाओं या प्रयोगात्मक विमान परीक्षण द्वारा समझाया जा सकता है। हालांकि इसने विश्वासियों को संभावित अलौकिक जीवन रूपों के बारे में उत्तर खोजने के लिए जारी रखने से नहीं रोका है। हाल के वर्षों में अधिक से अधिक लोग एरिया 51 के पास एलियंस के साथ मुठभेड़ होने का दावा करते हुए आगे आए हैं। हालांकि यह जानना असंभव है कि वास्तव में अत्यधिक गोपनीय आधार पर बंद दरवाजों के पीछे क्या चल रहा है, एक बात निश्चित है, पृथ्वी से परे जीवन की संभावना के साथ हमारा आकर्षण जल्द ही दूर नहीं होगा। तो मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।